नमस्कार दोस्तों, हकीन क्रो सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग अप्रोचेज में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हम किस तरह से सी प्रोग्रामिंग के थ्रू सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एरिया ऑफ सर्कल निकालना बेहद आसान है। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सिंपल फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो जितनी भी पाई की वैल्यू होती है 3.1415, उसमें जो भी आपकी रेडियस है उसकी डबल टाइम मल्टीप्लाई करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करता हूँ कोई 5, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 78.54। तो बेसिकली यही है हमारा सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला, और इसी फार्मूले को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा कि अपने को क्या करना है। अपने को पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, अपने को पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, और हम किस तरह से फार्मूला को अप्लाई करते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइस, प्रोग्राम बनाने के लिए अपने को सबसे पहले वही करना होगा, अपने को हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होंगी, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। जब हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड कर चुके हैं तो हमको मेन फंक्शन यूज़ करना होगा, और मेन फंक्शन के बाद हमको लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। और आशा करता हूँ आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो ये सभी चीज़ें आपके समझ आ रही होंगी। यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू भी दे दी है 3.1415, और उसके बाद यूज़र से वैल्यू लेने के लिए यूज़र को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल की रेडियस यूज़र एंटर कर दे। और उसके बाद उनको मैंने फ्लोट डेटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल एफ में परसेंटाइल एफ की सहायता से उसको स्टोर करा लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी हमारा एरिया ऑफ सर्कल है वो हमारा किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है ए फॉर एरिया, और वो भी फ्लोट टाइप का है। और उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू या फिर कॉलन परसेंटाइल एफ कॉमा ए। तो बेसिकली जो भी ए की वैल्यू होगी वो एफ से परसेंटाइल एफ से रिप्लेस करेंगे और आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल कॉलन जो भी आपका सर्कल का एरिया निकलेगा। तो आइए इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो कंपाइल करते हैं। देखिए, कंपाइलेशन में मेरे को कोई गलती नहीं मिली है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन कर रहा हूँ। रन करने पर ये रन हो चुका है। वो पूछ रहा है एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, तो मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 5, और जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे को दिखा रहा है एरिया ऑफ सर्कल इज 78.537498। जो हमको गूगल ने आउटपुट दिखाया था वो राउंड ऑफ करके दिखाया था, ये हमको एक्चुअल फ्लोट आउटपुट रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये था तरीका एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। एक बार और इसको रन करके देख लेते हैं। माना रेडियस है हमारी 22.9, और जो इसका सर्कल का एरिया आया है तो इसका एरिया हमको रिप्रेजेंट हो रहा है 1647.433960। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रोग्राम एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा प्रोग्राम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर का हमने यूज़ किया इस प्रोग्राम में, और किस तरह से यूज़र से वैल्यू ली स्कैन करा के, स्कैन एफ करके हमने यूज़र से वैल्यू ली है और उसके बाद फंक्शन या फार्मूला यूज़ कराए, और फाइनली हमने जो भी हमारे फार्मूले का आउटपुट आया उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद उसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रोग्राम था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक हिट कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको इसी तरह का स्टेप प्रोवाइड कराता रहूं। और अगर आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग और अदर प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग भी, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसकी आपको वीडियो चाहिए मेरे से, तो आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।